भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज ने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पर तंज कसते हुए उन्हें बहुत ज्यादा बुद्धिमान बताया। विज ने कहा कि बाकी कांग्रेस बाद में छोड़ेंगे, लेकिन तंवर सबसे पहले पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। अम्बाला कैंट से इनेलो ने अपने उम्मीदवार को बैठाने का ऐलान किया। वहीं अम्बाला शहर से पहले ही इनेलो अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अम्बाला छावनी से प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि इनेलो द्वारा आजाद उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस पार्टी के बागी नेता निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को समर्थन देना उनकी विवशता को जाहिर करता है। देखिए, जो अशोक तंवर है वो बाकियों से थोड़ा अकलमंद है, इसलिए उसने चुनाव शुरू होने से पहले छोड़ दी। बाकियों को चुनाव खत्म होने के बाद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो इनकी दुर्गति होने वाली है तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसलिए हरियाणा तो लगभग कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ता जा रहा है, और अशोक तंवर ने कहा भी है कि ये जो कांग्रेस है ये अब रावणों की पार्टी है, इसमें रावण हैं, और उसने अपने आप को समर्थ बताया है कि मैं इतने रावणों से नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन जनता लोकतंत्र में सक्षम होती है, जनता जरूर रावणों का नरसंहार करें। नहीं, अब INLD की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि वो एक आजाद प्रत्याशी के समर्थन में बैठेगा, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। हालत तो उनकी खराब है, उजड़ तो गया उनका सब कुछ, लेकिन इतनी हालत खराब हो जाए कि एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को समर्थन देना पड़ जाए या उसके हक में विड्रॉ करना पड़ जाए। अम्बाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।